हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हमने पिछली सीरीज में पीएपीएलवी एग्जाम्स की सीरीज शुरू कर दी थी, जिसमें मैंने टेरिटोरियल इंडियन आर्मी का जो पीआई एग्जाम जो 28 जुलाई को होने वाला है उसके रिगार्डिंग मैंने रीजनिंग सेशन स्टार्ट कर दिए। अगर आपने मेरे पिछले सेशन को नहीं देखा है जिसमें मैंने सीरीज कम्प्लीशन के बारे में बताया, तो उस सेशन को जरूर जाके देखें, आई बटन पे वो वीडियो शो हो रहा होगा। ठीक है, जैसा कि आज मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट डिकोडिंग सेशन स्टार्ट करें। ओके, पीएपीआईवी एग्जाम जो जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, पीएपीआईवी एग्जाम में दो पेपर हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन में आपके रीजनिंग एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, तो हम रीजनिंग सेशन स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले सीरीज को जाके देखें, सीरीज कम्पिटिशन से और न्यूमेरिकल सीरीज क्वेश्चन हमने किए थे, तो उस सेशन को मेरे अच्छी तरह आप जरूर देखिएगा, आई बटन पे वो शो हो रहा है। आज हम कोडिंग एंड डिकोडिंग कराएंगे, जिसमें आपको बताया था कि कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब कोडिंग एंड डिकोडिंग होता क्या है, तो अगर आपने मेरे बेसिक सेशन देखे हैं तो आपको पता होगा कि कोडिंग एंड डिकोडिंग सिमेंटिक एनालॉजी से रिलेटेड होता है। और सिमेंटिक एनालॉजी क्या होती है, तो आप मेरे बेसिक सेशन को जाके देखें, 7 से 8 वीडियो की प्लेलिस्ट है पूरी, जिसमें बेसिक सेशन भी है, उसको जरूर देखें, आई बटन पे वो वीडियो भी शो हो रहा है, तो जरूर आप सेशन को देखें ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो दे रखा है। ठीक है, तो अगर क्योंकि आज हम कोडिंग एंड डिकोडिंग के बेसिक लेवल के क्वेश्चन ही देखेंगे, हम थोड़े से एडवांस लेवल जो कि पीआईवी एग्जाम में पूछे जाते हैं, पीआईवी एग्जाम में जिनकी आने की संभावना ज्यादा है, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, जो कि पीएपीआईवी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम कोडिंग एंड डिकोडिंग होता क्या है, कोडिंग एंड डिकोडिंग सिमेंटिक एनालॉजी से रिलेटेड है, और उसके लिए अगर आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग पता करना है, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग के लिए आपको ए से लेकर जेड तक, यानी 1 से लेकर 26 के जितने भी अल्फाबेट हैं उनके आपको एल्फ न्यूमेरिकल्स याद होने चाहिए। एल्फ न्यूमेरिकल्स मतलब उन लेटर्स के उन अल्फाबेट्स की पोजीशंस, कि कौन किस पोजीशन पे आता है, जैसे A1 पे आता है, Z26 पे आता है। उसके लिए मैंने आपको बेसिक सेशन में बताया था कि M और L की पोजीशन याद कर लो, क्योंकि M और N अल्फाबेट्स 26 अल्फाबेट्स में बिल्कुल बीच में आते हैं। M आता है 13 नंबर पे, N आता है 14 नंबर पे, बाकी आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो हम आज का सेशन फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ए जेड, फिर आपको दे रखा है बी वाई, फिर जी टी और क्वेश्चन मार्क। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं एच एस, आपको ऑप्शन है सी एक्स, सी ऑप्शन आपका डी डब्ल्यू, और लास्ट ऑप्शन है आपका टी आई। अब आपको इन चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, अगर आपने बेसिक आपको पता है रीजनिंग का थोड़ा बहुत भी, तो आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में कर सकते हो। जैसे हम यहाँ देखते हैं, वीडियो को पॉज करके आपने कोशिश की होगी, इस क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका क्या है, बहुत ज्यादा इजी है, आपको सब कुछ पता चल रहा है। अगर आपको रिवर्स पेयर याद है, मैंने आपको रिवर्स पेयर के बारे में बताया था, रिवर्स पेयर जिन्होंने मेरे बेसिक सेशंस को देखा है उनको पता है रिवर्स पेयर क्या होते हैं, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई एस। ठीक है, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई जेड, फिर क्या आता है एफ यू। ठीक है, इस तरह के, फिर जी टी, फिर एच एस आई आर, ये होते हैं रिवर्स पेयर। ठीक है, जे के यानी कि कुछ भी, आप इसमें बहुत सारे इसके पेयर्स बनते हैं। ठीक है, यानी आपको ए जेड डी वाई सी एक्स डी वाई डब्ल्यू ई एस एफ यू जी टी एच एस आई आर, यानी कि आपको अगर ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको हम यहां से देखें, तो ए और जेड, ए का रिवर्स क्या होगा, जेड होगा, बी का रिवर्स क्या होगा, वाई होगा, सी का रिवर्स क्या होगा, एक्स होगा, डी का रिवर्स क्या होगा, डब्ल्यू होगा। तो अगर आपको रिवर्स पेयर्स याद हैं, आप मेरे सेशन में जाकर देख सकते हैं कि रिवर्स पेयर्स क्या होते हैं। रिवर्स पेयर्स अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। यहां देख सकते हैं 126 AZ A रिवर्स पेयर आ रहा है, इसके बाद कौन आ रहा है, BY आ रहा है, यानी कि 225 आ रहा है, फिर यहां पर GT आ रहा है, क्या आ रहा है, GT आ रहा है, देखिए AZ BY और उसके बाद क्या आ रहा है, GT आ रहा है। अगर AZ के बाद BY आता है तो GT के बाद कौन आता है, HS आता है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और वैसे भी पोजीशन पे करना चाहो तो G 7 नंबर पे,
20 नंबर पे आता है। जैसे यहां देखें एक का दो के साथ है और 26 का किसके साथ है, 25 के साथ है, तो 7 का किसके साथ होगा, 8 के साथ। H G T G ये 7 नंबर पे, ये 20 नंबर पे, 7 का अगला का नंबर 8, तो 1 का 2 है, 26 का 25 है, मतलब इसमें प्लस 1 करना है, इसमें माइनस 1 करना है। G का प्लस 1 करोगे कितना होगा, 8 नंबर पे कौन आता है, H आता है। T का माइनस 1 करो, अब आपका 19 नंबर पे कौन आता है, सभी को पता है कि 19 नंबर पे कौन रहता है, हमारा S रहता है, ठीक है, 19 नंबर पे S रहता है, तो यहां पर क्या करना है, माइनस 1 करना है, तो S, तो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको रिवर्स पेयर से याद है तो बहुत ही इजी है, 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। G 7 नंबर पे, H 8 नंबर पे, और ये T, और ये कितना हो गया आपका 19, ठीक है। रिवर्स पेयर्स निकालते हैं, तो रिवर्स पेयर्स आपको बताइए कैसे निकालते हैं, ये 1 का 26 के साथ, यानी कि उल्टा चला हुआ, ए बी सी डी से लेकर ए से लेकर एम तक और जेड से लेकर एम तक उल्टे चले, तो ए से लेकर एम तक की पोजीशन जेड से लेकर एम तक की पोजीशन को क्या करेगी, मैच करेगी, तो वो कहलाते हैं रिवर्स पेयर्स आपके, ओके। तो ए जेड डी वाई है, ए जेड के बाद डी वाई आता है, जी टी के बाद कौन आएगा, एच एस आएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इस तरह, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, दोनों पैटर्न से मैंने आपको बता दिया, रिवर्स पेयर से भी बता दिया है और साथ ही साथ आपको कोडिंग से भी बता दिया है कि कैसे इस क्वेश्चन को कोडिंग से करना है, ठीक है। कोडिंग कुछ भी नहीं होता, जैसे आपको पता है ए बी है, तो इसको कोडिंग में लिखना चाहूंगा मैं वर्ड को लिखूंगा, उसी तरह एच एस है तो एच एस को क्या लिखूंगा, आर 19 लिखूंगा, ये इसकी कोडिंग होती है, ठीक है। एच 8 नंबर पे, एस 19 नंबर पे। अब आपका अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बी जी, फिर क्या कहता है सी एच, फिर अगला क्वेश्चन मार्क दे दिया और ऑप्शन दे देते हैं आपको, ऑप्शन दे देते हैं डी जी बी डी आई सी आई जे और डी ऑप्शन दे रखा है एच एस। अब आपको इसको पहले सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने की आप कोशिश करें पहले अपने हाथ से, देखिए कैसे होगा, बी जी बी कितने नंबर पे आता है, बी जी बी आता है 2 नंबर पे, जी आता है 7 नंबर पे, यानी यहां कितने का डिफरेंस है, प्लस 5 का डिफरेंस आ रहा है, 2 में 5 जोड़ दो कितना होता है 7। अब देखिए जी यहां कितना है, सी एच यहां कितना आ रहा है, सी एच बी जी के बाद सी एच दे रखा है, सी कितने नंबर पे आता है, सी आता है 3 नंबर पे और एच आता है 8 नंबर पे, यहां पर कितने का डिफरेंस है, प्लस 5 का डिफरेंस है। पर अगर हम ध्यान से देखें तो B के बाद C आया, G के बाद H आया, A B C D E F G H, B के बाद C है, G के बाद क्या है, H है, तो अगला कौन सा होगा, सिंपल सी चीज पता चलती है कि यहां पर B और C में डिफरेंस देखो, 2 के बाद 3 आ रहा है, B के बाद C आ रहा है, अगली सीरीज में यहां इसका देखो और इसका फर्स्ट देखो, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, इन दोनों कितने का डिफरेंस है, प्लस 1 का, और G और H, G और H इसके सेकंड और इसके सेकंड में कितने का डिफरेंस है, इसमें भी प्लस 1 का डिफरेंस है। तो अगला सी एच के बाद आपको पता करना है, तो सी एच के बाद क्या आएगा, सी एच के बाद क्या आएगा, तो यहां पर मैं सी एच लिख देता हूं, एक बार यहां पर प्लस 1 करना है और यहां पर भी प्लस 1 करना है, सी कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पे, तो यहां 4 नंबर वाला आएगा और डी आएगा, एच आता है 8 नंबर पे, तो 9 नंबर वाला होगा, और 9 नंबर वाला कौन होता है, आई होता है, तो आपका अगला सीरीज क्या बनेगी, डी आई बनेगी, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से कोडिंग्स की हेल्प से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बहुत इजी था। B के बाद G आ रहा है, प्लस 5 का डिफरेंस, C के बाद H आ रहा है, प्लस 5 का डिफरेंस है। अगर हम इसको ऐसे देखें कि G के बाद C आ रहा है, B और C में 1 का डिफरेंस, B और C में 1 का डिफरेंस, इन दोनों में देखो G और H में 1 का डिफरेंस, तो अगले में C के बाद कौन आएगा, 1 का डिफरेंस कर लो, प्लस 1 कर लो, B आ गया, और H में प्लस 1 कर लो तो क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा D I, बी ऑप्शन इज दी करेक्ट। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो इसको दोबारा से देखिए। और अब हम करते हैं अगला थर्ड क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन हल करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कम है और एडवांस सर्वे क्वेश्चन करते जा रहे हैं, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ये अगला जो क्वेश्चन है ये है फाइंड ऑड वन, फाइंड ऑड वन, ऑड वन क्या होता है, विषम,
विषम पद पता करना है। क्या पता करना है? विषम मतलब कि जो सबसे अलग है, जो दोनों में जो चार ऑप्शन दे रखे हैं चारों में जो अलग आएगा वो कहलाता है ऑड वन आपका। ठीक है, तो मैं आपको चार ऑप्शन दे देता हूँ, आपको कैसे पहचानना है। चार ऑप्शन आपके पास है, जैसे मैं आपको दे देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ई जी आई, सेकेंड ऑप्शन आपको दे रखा है जे एल एन, थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है एस पी यू और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है एन पी आर। अब आपको पता करना है कि इसमें कौन सा ऑड है, मतलब इन चारों में सबसे अलग कौन है, उसको टिक करो। पहले ट्राई करने की कोशिश करें, नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ। ओके, आपने इसको ट्राई किया होगा। अब देख सकते हैं ई जी आई, ई जी आई मतलब ई जी आई मतलब पांच सात और नौ, कितने का डिफरेंस आ रहा है, प्लस टू का डिफरेंस। जे एल एन, ठीक है, जे एल एन, अब सभी को पता है कि जे दस नंबर पे आता है, जे दस में आता है, ये बारह में आता है, ये चौदह में आता है, इसमें भी कितने का डिफरेंस है, प्लस टू और प्लस टू का, इसमें प्लस टू, इसमें भी प्लस टू का। एस क्यू देखे तो एस कितने नंबर पे आता है, एस आता है उन्नीस नंबर पे, एस ई यू, यहाँ उन्नीस नंबर पे, ये बीस नंबर पे, ये इक्कीस नंबर पे, यहाँ कितने का डिफरेंस है, प्लस वन का, यहाँ पर भी प्लस वन। एन पी आर देख लो, एन पी आर, एन आता है चौदह नंबर पे, ये सोलह नंबर पे, अठारह नंबर पे, इसमें प्लस टू का, इसमें प्लस टू का। ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन फोर, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन फोर, एक दो चार में तो प्लस टू का डिफरेंस है। सबसे अलग कौन है, एस पी आर, यानी कि ये सबसे ऑड वन होगा, क्योंकि इसमें प्लस वन का डिफरेंस है। सभी में देख सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन में प्लस टू प्लस टू प्लस टू, सेकंड ऑप्शन में प्लस टू प्लस टू, फोर्थ ऑप्शन में प्लस टू प्लस टू, पर थर्ड जो ऑप्शन है आपका उसमें एस पी यू लगातार सीरीज दे रखी है 1921, तो सबसे अलग कौन है, एस पी यू। इस तरह पता करते हैं, अगर आपको कोडिंग याद रहती है, नंबर याद रहते हैं, सभी यूनिट्स नंबर याद रहते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हो क्वेश्चन। सॉरी, ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, सभी तरह के एग्जाम्स में, चाहे वो पीआईबी हो चाहे कोई भी हो। अब ये अलग क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का, तो इसको ध्यान से देखिए, पर ये बहुत ज्यादा इजी है, इतना हार्ड लगता है उतना नहीं है। एड वेन चल, ये दे रखा है, क्या दे रखा है, एडवेंचर दे रखा है, उसके बाद ये आपको दे रखा है, ये सीरीज है। एडवेंचर के बाद आपको डिवेंचर दे रखा है, और डिवेंचर के बाद आपको क्या दे रखा है, ठीक है, डिवेंचर मतलब कि ई हटा दिया है। अब अगला पूछता है और लास्ट आपको दे रखा है वेंचू, क्या पूछता है, वेंचू, ये चार आपको सीरीज दे रखी है। देखो, एडवेंचर, डिवेंचर, डिवेंचर, क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करना है आपको, और वेंचू, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है। तो फोर्थ प्लेस में क्या आएगा ये आपको बताना है, सीरीज को ध्यान से देखिए, फिर आपको इसको पता करिए क्या आना चाहिए। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन आपको देते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है डिवेंचू, ठीक है, डिवेंचू, बी ऑप्शन है आपका, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, जितना हार्ड लग रहा है उतना नहीं है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा और डी ऑप्शन कर देते हैं नन, ठीक है। अब बताइए कौन सा सही होगा आपका, से देखिए बहुत ज्यादा इजी है, एडवेंचर के बाद डिवेंचर हो रहा है, मतलब यहां से एडवेंचर से जो अगला आ रहा है वो क्या आता है, ये हटाने पर आ रहा है, अगर मैं ए हटा दूं तो क्या बन रहा है, डिवेंचर। थर्ड सीरीज में ध्यान से देखो आप, यहां से सेकंड सीरीज में आने पर फर्स्ट से सेकंड में आया तो ए हटाया, यहां ए हटा दिया, एडवेंचर में से ए हटा दिया तो डिवेंचर हो गया। थर्ड सीरीज में आ गया डी डिवेंचर का, ई हटा दिया तो डिवेंचर, यानी कि आर रह गया, ई हट गया। यहां से पहला हटाया तो ये बना, आखिरी हटाया, ई हटाया तो ये बना, तो अगला कैसे बनेगा, अगला ध्यान से देखना, यहां से यहां देखो आप, ध्यान से यहां क्या हटा है, यहां पहला हट चुका है, डी यहां पर हट चुका है, वेंचू मतलब आर भी हट चुका है। अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो
फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें तो फर्स्ट और थर्ड में देख सकते हैं डिवेंचर, ठीक है, डिवेंचर ये ऑर्डर आ रहा है, यानी कि फर्स्ट से थर्ड में जाए तो ए और ई को हटाना पड़ेगा, मतलब डिवेंचर होगा। तो थर्ड से अगर आप और अगर फर्स्ट से सेकंड में जाते हैं, फर्स्ट से सेकंड में जाते हैं तो किसको हटाना पड़ता है, फर्स्ट को हटाना पड़ता है। तो थर्ड से फोर्थ में जाएंगे तो फर्स्ट को हटाना पड़ेगा, तो डी को हटाना पड़ेगा, और अगर फिफ्थ में जाएंगे तो आर को भी हटाना पड़ेगा, देखो बेंचू बनेगा, क्या बनेगा, बेंचू। तो अगर थर्ड से फोर्थ में जाएंगे तो सबसे पहले किसको हटाना पड़ेगा, डी को हटाना पड़ेगा, तो डी को हटा दो, डी को हटा दो, डिवेंचर था, डी को हटा दो तो क्या बनेगा, वेंचर बनेगा। तो उसके बाद जब आप फिफ्थ में जाओगे तो किसको हटाओगे, आर को हटाओगे, क्या बनेगा, वेंचू बनेगा, VENTU बनेगा। इस तरह से सीरीज बनती है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो बी ऑप्शन से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इस तरह के जो लॉजिकल क्वेश्चन हैं ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कोडिंग रिलेटेड डिकोडिंग में नहीं था, एक सीरीज थी न्यूमेरिकल्स की, सिमेंटिक एनालिसिस का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको यहां पर करा दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, पांचवा क्वेश्चन आज का, ये कह रहा है कि कंप्लेंट को क्या लिखा है उन्होंने, 3-6 कंप्लेंट को लिखा है, ऐसे दे रखा है, इस तरह से दे रखा है आपको, 3-6-1-9-7-4-2-5-8 कंप्लेंट को ये चीज लिखी गई है। ये कह रहा है अगर कंप्लेंट को ये लिखा जाए तो क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्लेंट को क्या लिखा जाए, ये लिखा जाए, कंप्लेंट को ये लिखा जाए, तो आपसे कहता है फाइंड ऑड वन, फाइंड ऑड वन, ऑड वन फाइंड करना, क्या करना है, ऑड वन फाइंड करना है। कंप्लेंट को इन्होंने लिख दिया है ये 3-6-1-9-7-4-2-5-8 ऑड वन फाइंड करना है, तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, आपको ऑप्शन दे रखे हैं एन आई एम ओ सी, बी ऑप्शन आपको गिवन है पी ए एन एल ओ सी। तो देखो ये ऑप्शन किस तरह से गिवन है, आपको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन एन आई एम ओ सी, इसको इस तरह से दे रखा है, एन आई एम ओ सी को लिखा है उन्होंने 5-2-1-6-3। बी ऑप्शन आपको दे रखा है टी ए एन एल ओ सी, जो कि इन्होंने इसको लिखा है 8-4-2-7-6-3, और सी है आपका एल ओ एन ए पी आई, और इसको ये लिखते हैं 7-6-5-4-8-2। डी ऑप्शन आपको दे रखा है ए एल एन ए एल एम सॉरी ए एल एम आई एन, और इसको ये लिखते हैं 4-7-1-2-5 4-7-1-2-5, और लास्ट ऑप्शन ई दे रखा है आपको एम ए एल टी आई ओ एम ए एल टी आई ओ, और इसको लिखा है 1-4-7-8-2-6 1-4-7-8-2-6। अब आपको इसमें से ऑड वन फाइंड आउट करना है, ये सबसे अलग नजर आ रहा है आपको, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ध्यान से देखिए तो कंप्लेंट को सी ओ एम ई एल ए आई एन टी, सी को लिख रहा है 3, ओ को लिख रहा है 6, एम को लिख रहा है 1, पी को लिख रहा है 9, 7 एल को लिख रहा है 7, ए को लिख रहा है 4, I को लिख रहा है 2, N को लिख रहा है 5, और A को लिख रहा है 10 को लिख रहा है सॉरी T को लिख रहा है 8। अब ये कोडिंग का यूज करना है, इस कोडिंग का यूज करके इनमें अप्लाई करो, कैसे अप्लाई करना है देखो ध्यान से, N कितना है 5, N 5 ओके, I को 2, I 2 बिल्कुल सही, M कितना 1, M 1 है देखो M 1 है बिल्कुल सही, M का 1, O का 6 है, O का 6 है बिल्कुल सही, C 3, C 3 ये तो बिल्कुल इसकी कोडिंग के हिसाब से, तो फर्स्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल इसी की कोडिंग के हिसाब से, तो ये ऑर्डर नहीं हो सकता। ऑर्डर क्या होगा, तो विषम पद आपको पता करना है, विषम पद कैसे पता करते हैं कि जो इनमें अलग है, जिनमें ये कोडिंग अप्लाई नहीं होगी वो सबसे अलग होगा, वो ऑप्शन सही हो जाएगा, फाइंड ऑर्डर ऑप्शन है ना।
5 i को 2 m को 1 o को 6 c को 3 यहां से मिला लो, यही कोडिंग को यूज करके NIMS की कोडिंग की गई है 52163। उसी तरह TAN और LLCT का कोडिंग की सकती है, देखिए ध्यान से लिखते हैं, T को 8 लिखा है, T 8 है बिल्कुल सही है, A को 4 लिखा है, A 4 है बिल्कुल सही है, N को 2 लिखा है, N कितना है, N 2 नहीं है, N को इन्होंने 2 लिखा, N यहां पर 5 है, N यहां पर 5 है, यहां N को इन्होंने लिख दिया 2, तो ऑप्शन यही हो गया सही, B ऑप्शन सबसे अलग हो गया, क्यों N को 5 लिखना था, इसकी कोडिंग के हिसाब से N को 5 लिखना था, यहां ध्यान से देखिए समझने के लिए N को 5 लिखा है, यहां N को 5 लिखा है, यहां N तो है नहीं, E को 8, I को 2, देखो इसके हिसाब से मिला लो, O को 6 बिल्कुल सही है, A को 4 बिल्कुल सही है, M को 1 बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सबसे अलग कौन हो गया B, क्योंकि यहां N को 2 लिख दिया जबकि N को लिखना था 5, इसकी कोडिंग का यूज करके, तो ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, B ऑप्शन हो जाएगा, ओके। तो आज हम ये सेशन यहां पर खत्म कर देते हैं, और एक आपको होमवर्क के लिए अगले सेशन के लिए आप इसका आंसर मुझे अगले सेशन में बताना, ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, क्वेश्चन इस तरह से है कि देखिए ए बी सी को क्या लिखा गया है, जी एच आई, ए बी सी को जी एच आई लिखा गया है, तो आपसे पूछा गया है ओ पी क्यू को क्या लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये आपका एच डब्ल्यू क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन, ए बी सी को जी एच आई लिखते हैं तो ओ बी क्यू को क्या लिखेंगे, आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है, आपको इसका आंसर बताना है, ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, यू बी डब्ल्यू ऑप्शन एक्स वाई जेड, सी ऑप्शन है आपका डी, और लास्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी सी डी। अब आपको चार ऑप्शन में से पता करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ओके। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, पढ़ेंगे रिकॉर्डिंग के, आज हमने काफी लेवल के क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि कहां पर प्रॉब्लम आई है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। तो आज सेशन को यहीं खत्म करते हैं, आज का सेशन भी हो गया फिनिश, और नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग एंड रिकॉर्डिंग की थोड़ी सी और प्रॉब्लम देखेंगे, जिसे सीरीज, अब मैं सीरीज और न्यूमेरिकल सीरीज और कोडिंग एंड रिकॉर्डिंग दोनों की एक साथ सीरीज बनाऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है, तो ओके, प्लीज इसको वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके लोगों के साथ शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेके आऊं, ओके, जय हिंद।